हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो लॉक स्क्रीन है उस पर ये वॉलपेपर लगा हुआ है, मुझे इसे दूसरा सेट करना है, यानी कि हम इस पर कैसे सेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको जाना है वॉलपेपर पर। और वॉलपेपर पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वन थीम चॉइस पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप इस पर जाएंगे तो आपके ये बहुत सारे वॉलपेपर्स आ जाएंगे, जैसे कि किसी को भी आप सेट कर सकते हैं अपनी लॉक स्क्रीन पर। जैसे मैं यहाँ लगा लेता हूँ, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपसे पूछेगा लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, होम एंड लॉक स्क्रीन किस पर आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी लॉक स्क्रीन पर सेट करना चाहता हूँ, लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है और मेरी जो लॉक स्क्रीन है उस पर वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।